नमस्कार, मैं मुजम्मिल हसन TripleDotCom के लिए भीमताल से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा भट्ट जी। मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, कौन कहता है ज़मीन पे फरिश्ते नहीं होते, दिल की नज़र से ज़रा लोगों को पहचानो तो सही। ये बात मैंने सर के लिए इसलिए कही है कि जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग थे, सर ने अपनी पर्सनल निजी संस्था के माध्यम से ऐसे लोग जिनका इस लॉकडाउन में कारोबार नहीं है और वो अपने काम से अपने रोज़गार से परेशान हैं, उनके लिए अपने तौर पे किसी के हेल्प के बिना यहाँ पे आके लोगों में राशन का वितरण किया है, और लोगों से यहाँ पे बात की है कि अगर आने वाले वक्त में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो वो हमको उस परेशानी के बारे में संपर्क करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस परेशानी को आप लोगों की दूर कर सकें। सबसे पहले तो मैं कृष्णा सर आपको सलाम करता हूँ कि इन हालातों में आप इतना नेक काम कर रहे हैं, और TripleDotCom पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं TripleDotCom के लिए आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ सर कि ये जो ख्याल है आपके दिल में, इतना बेहतरीन ख्याल, इतना विचार, इतना अच्छा विचार आपके दिल में आया, आगे भी आने वाले वक्त में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? अभी सर जो पेंडेमिक चल रहा है ना, ये सबके लिए प्रॉब्लम है, ये कोई एक स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक रिलीजन, स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं है, राइट? तो अभी हम जो पिछले दिनों मैं भी कुछ बीमार सा हो गया था, मेरी सिस्टर बीमार थी, देन आई वॉज सिटिंग इन द रूम, राइट? कि हम कर क्या रहे हैं सोसाइटी के लिए? पैसे की कोई वैल्यू नहीं आज के दिन में, राइट? आपके पास में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, कोई वैल्यू नहीं है, आपको खाने के लिए जिए डेली। तो फिर हमने कुछ चीज़ें शुरू करी, पहले हमने कुछ अगल बगल लोगों को हेल्प करी, देन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हमने व्यवस्था करी कि एक वो बड़ा क्रिटिकल था, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे इधर उधर। देन हमने कहा चलो फूड पैकेट करें, मेडिसिन करें, ऑक्सीमीटर्स की व्यवस्था करवाई, थर्मोमीटर्स की व्यवस्था करवाई हमने। और जो गरीब आदमी है ना, उनके प्रति मन में मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन रहता, आई मीन आई कांट सी समवन इज स्ट्रगलिंग फॉर इवन फॉर फूड, राइट? खाना भी कोई किसी आदमी को नहीं मिल पा रहा है, तो एक हमारी व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क है। चिड़ियाओं को, पक्षियों को भी खाना फ्री में मिलता है, राइट? उनको घोंसले से निकलना होता है, इजिली मिल जाता, तो मनुष्य के लिए बड़ा संकट है अभी। कई जगह आपने देखा होगा फूड की गाड़ी आती है, लोग दौड़ते हुए भागते हुए आ रहे हैं और लाइन लग रही है, मारामारी हो रही है। तो ये सब देख के मुझे लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ अभी सोसाइटी के लिए। मैं भीमताल में ही रहा, यहीं पढ़े लिखे, तो अब मैं लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? इसी के तहत हम कर रहे हैं, हमारी टीम है, सारे लोग लगे हुए हैं, और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हमें डोनेट भी कर रहे हैं। अब ये ना मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो गया हमारे पास में, पूरी लगभग कई हमारे फ्रेंड सर्कल है इंडिया में, और बाहर भी लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कृष्णा हम मदद करना चाहते हैं तुम्हारी, और जो भी हमसे बन पड़ेगा मदद करेंगे। तो अभी ये मूवमेंट हो गया, हर आदमी को पेन फील हो रहा है कि यार फूड नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो उसको कोई हेल्प करवाई जाए। अभी आज हमने कुछ दवाइयाँ मुनस्यारी भी भिजवाई हैं, वहाँ पे भी लोग कई बीमार हैं, जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक जो भी कैपेबल है आदमी, राइट, कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद करे अगल बगल, ज़रूर मदद करे लोगों की। और बहुत जल्दी है ना, इससे दुनिया निकल जाएगी बाहर, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज राइट, बट इट्स गोइंग टू टेस्ट अस, तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम कैसे हेल्प करने वाले हैं, क्या हेल्प करने वाले हैं। और आप भी, मैंने आपके वीडियो वगैरह भी देखे हुए हैं, आप भी काफ़ी लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने चैनल के तहत, तो एक अच्छा प्रयास है, मिलके ही हम इस पैंडेमिक से बाहर हो पाएंगे। तो ये कृष्णा सर की जो है पूरी टीम है। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, साफ कर दूँ कि मेरी रिक्वेस्ट करने पर जो सर हैं उन्होंने हमसे बात की, इनका किसी भी तरीके का कोई भी मकसद अपने आप को पब्लिश करना या अपनी पब्लिसिटी करना या अपने नेक काम का दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं है। सर ने मुझे पहले मना कर दिया था, पर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि आपकी इस कोशिश को अगर हम दिखाते हैं और इससे और लोगों को एक प्रेरणा मिलती है तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी। ये भी आपने एक सही चीज़ बोली, कई लोग हमको कह रहे हैं कि यार हम डोनेट करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो हम डोनेशन कर रहे हैं वो नीडी लोगों तक पहुँचे, राइट? इसलिए मुझे आना पड़ा, अदरवाइज हम ऐसा कर भी नहीं रहते। तो हम थोड़ा फेसबुक में भी एक्टिवेट हुए हैं, अभी लोगों को जागरूक भी मिलते हैं और लोगों को विश्वास भी होता है कि ये संस्था ग्राउंड पर रहकर काम कर रही है, ये मकसद है इसके पीछे, अदरवाइज पब्लिसिटी का कोई वो नहीं। आई मीन भीमताल में मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से शायद कुछ लोग अब जानने लगे होंगे, अदरवाइज मैं साइलेंट मोड में ज़्यादा रहता हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सर, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने TripleDotCom की तरफ से आपका कि आपने एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पहल को अंजाम दिया। TripleDotCom से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।